हेलो फ्रेंड्स, तो लेके आ गया आप लेकर और बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही इंटरेस्टिंग मसालेदार वीडियो, जहां पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक बिल्कुल नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बिल्कुल ही नया सीरीज है, जो कि रियलमी की तरफ से लॉन्च हो चुका है। रियलमी का 8 सीरीज, 8 और 8 प्रो दोनों फोन बहुत ही कमाल के लुक है, एकदम मतलब वाइब्रेंट टाइप का कलर देखने को मिल जाता है, सिल्वर ब्लैक है, मतलब बहुत ही कमाल का। तो आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रियलमी 8 के बारे में, डिस्कस करेंगे पूरा ही डिटेल, स्पेक जानेंगे क्या क्या प्राइसिंग है, क्या वेरियंट है और कौन सा वेरियंट परचेस करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। सबसे पहले तो मैं आपसे लुक की बात करता हूँ, तो लुक सबसे पहले आप देख रहे होंगे दो कलर का लुक दिया गया, एक सिल्वर है एक ब्लैक है। इसमें दो ओपिनियन हो सकते हैं, एक तो बहुत लोग बोलेंगे बहुत ही बेकार सा लुक देखने को मिल रहा है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्यों वो भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं। और दूसरे बोल सकते हैं कि हाँ जो है एक अच्छा लुक हमें देखने को मिल जाता है। जो लोग बोलेंगे बेकार लुक है, वो ये कारण हो सकता है कि हमें बोल्ड तरीके में बिल्कुल डेयर टू लिप देखने को मिल जाता है, वो बहुत लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, क्योंकि हाँ मतलब आदमी मोबाइल परचेस कर रहा है इतना बोल्ड बोल्ड ब्रांडिंग के साथ में, शायद बहुत लोगों को पसंद आए। मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात किया जाए तो मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये इतना बोल्ड लुक। हालांकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, सिल्वर कलर अच्छे हैं, इसके ब्लैक कलर भी दोनों ही बिल्कुल वाइब्रेंट टाइप का लुक है। सिल्वर में आपको रेनबो टाइप का आपको एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाता है, एक शाइनिंग कलर, कलरफुल टाइप का शाइनिंग देखने को मिल जाता है सिल्वर कलर में। दोनों ही कलर इसके बहुत ही कमाल के हैं, बट वही है कि डेयर टू लिप जो इतना बोल्ड तरीके से लिखा गया है वो हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना भी आए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग जो है कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है। तो ये हो सकता है दो ओपिनियन लुक के मामले में, बाकी मेरे हिसाब से ओके दिया गया है लुक। अगर आपको इतना बड़ा बड़ा ब्रांडिंग पसंद है डेयर टू लिप लिखा हुआ, तो मतलब लुक के मामले में आप बिल्कुल ही एकदम थम्स अप करने वाले हो कि हाँ लुक बहुत ही कमाल का है, क्योंकि वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाता है। साथ ही अब बात आती है अब इसके स्पेक्स वगैरह की, डिटेल स्पेक हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करें, तो डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है बहुत ही कमाल का, 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। एक 15,000 के अंदर वाले फोन में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत ही कमाल का, 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो 1080x2400 का रेजोल्यूशन दिया गया है, और ब्राइटनेस की तो आपको इशू नहीं आने वाला, मतलब इस बजट सेगमेंट में आपको 1000 nits की एक हाईएस्ट ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो मतलब धूप वगैरह में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली रिकॉर्डिंग की, मतलब हाँ ब्राइटनेस कम है तो कम दिख रहा है धूप में भी, तो ऑटो ब्राइटनेस पे सेट करोगे तो धूप में भी एक बहुत ही अच्छी हाई ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, तो उसमें आपको डिस्प्ले में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिया गया एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। बात आती है इसके एंड्रॉयड वगैरह की, इसका जो यूआई वर्जन वगैरह दिया गया है, तो रियलमी का यूआई आप जानते होंगे एक ओके देखने को मिल जाता है, अच्छा यूआई देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 11 लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि रियलमी यूआई लेटेस्ट 2.1 समथिंग के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब लेटेस्ट यूआई देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में बात आती है अब मेन प्रोसेसर की, जहां पे हमें मेन प्रोसेसर की बात करते हैं, इसके अंदर हमें मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि है मीडियाटेक का हीलियो G95, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर ये एक बजट सेगमेंट रेंज में एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर दिया गया, तो मतलब अंडर 15,000 रेंज में एक प्रोसेसर ये हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, 12 nm बेस्ड है और GPU मारी G76 से साथ में हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने मिलेगी, हालांकि रिफ्रेश रेट जो है आपको 60Hz का है, बट AMOLED डिस्प्ले के साथ में आपको कॉम्बिनेशन अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ये हमें रेस्पॉन्स डिस्प्ले का अच्छा देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के साथ में, क्योंकि जो GPU CPU देखने को मिल जाता है वो परफॉर्मेंस के साथ में एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात आती है अब इसके कैमरे के सेटअप की, जो कि बिल्कुल ही बोल्ड और अट्रैक्टिव लग रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में, स्क्वायर ऑलमोस्ट रेक्टेंगल शेप में हमें देखने को मिल जाता है, जो कि सिल्वर कलर पे और भी अच्छा लुक दे रहा है, जहां पे हमें शाइनिंग करके वाइब्रेंट टाइप का अलग कलरफुल डिफरेंट रेनबो टाइप का हमें लुक देखने को मिल जाता है। तो जो क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है उसके स्पेक्स की मैं बात करूं तो 64 MP का मेन सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और वही सस्ते वाले 2-2 MP वाले मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि नाम के लिए क्वाड कैमरा लिखने के लिए जो है ये 2-2 MP के चेप दिए जाते हैं। हालांकि 5 MP का मैक्रो है तो वहाँ कुछ काम भी आ सकता है, बट 2-2 MP वाले तो वो 20-20 रुपए वाले कैमरे होते हैं, नाम के लिए क्वाड कैमरा, क्योंकि भाई अब ट्रेंड जो चल रखा है क्वाड कैमरे का चल रखा है, ये नहीं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, बस यही पागलपन रहता है कि हाँ क्वाड कैमरा होना चाहिए, कैमरा 4 चाहिए चाहे वो काम का हो या ना हो, लेकिन कैमरा 4 होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है कंपनियां भी अपना माइंड गेम प्ले करती है, स्ट्रैटेजी प्ले करती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये। तो और भी एक और पॉइंट है इस फोन के बारे में, मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो इन्होंने फॉलो किया है इस बार लॉन्चिंग करते टाइम में। और बाकी मैं अब बात करता हूँ इसके सेल्फी कैमरे की, तो उसमें हमें जो है
पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि लेफ्ट साइड में दिया गया है, पंच होल दिया गया है, एक ओके साइज है, जहां पे हमें जो है 16 MP का मेन सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि मेन सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि एक ओके पिक्चर क्लिक करके देगा। 64 MP का भी जो मेन सेंसर है वो आपको एक अच्छी पिक क्लिक करके देगा, और 16 MP का भी जो कैमरा है सेल्फी वाला वो भी एक अच्छी पिक क्लिक करके देगा। तो मतलब पिक के मामले में ओके, एक बजट सेगमेंट फोन के साथ में आपको एक बहुत ही हाई क्वालिटी वाली आपको पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि नंबर से प्ले किया जाता है, कंपनियां नंबर से प्ले करती है, जो कि 64 MP है, बट नाम के लिए जो है वो क्वालिटी अगर एक्चुअली मेजर किया जाए तो 64 MP वाली होती नहीं, बट क्या करें, नंबर से प्ले करना है तो मेगापिक्सल बस बढ़ाते जाओ, क्वालिटी से क्या ही फर्क पड़ना है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब बात आती है इसके कुछ इंटरनल स्पेक्स और की, जहां पे सबसे पहले मैं बैटरी बैकअप की बात कर लूं तो इसमें हमें देखने को मिल जाती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि सपोर्ट करता है 30 W का डार्ट चार्ज, जो कि कंपनी कहती है 65 मिनट्स के अंदर में आपका फोन जो है बिल्कुल 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, साथ ही डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दिए गए, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो मतलब सारे फीचर्स ही हमें देखने को मिल जाते हैं, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि सिक्योरिटी की बेस्ड है, जो कि है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कुछ फिगर कंबाइन करके जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल ही कंबाइन करके एक अच्छा कॉम्पैक्ट पैकेज बन जाता है, एक गेमिंग को भी ध्यान रखते हुए और एक नॉर्मल यूसेज को भी ध्यान में रखते हुए एक अच्छा पैकेज बन जाता है। ऑप्शन अच्छा है बहुत ही। और मैं वेरिएंट वगैरह की बात करूं तो इसके अंदर हमें 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि एक है हमारा 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ में, मतलब ये पहला कॉम्बिनेशन है कंपनी मतलब 3 वेरिएंट बनाई है, तीनों में स्टोरेज एक ही है, रैम बस डिफरेंट है। एक में हमें 4GB RAM 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि है 14,999 का, और एक है 6GB RAM 128 वाला, वो है 15,999 का, और जो तीसरा है वो है 8GB RAM 128GB वाला, वो है हमारा 16,999 का, मतलब 15,000, 16,000, 70,000। और जो कंपनी ने यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रेटेजी प्ले की है वो ये कि जो 4GB RAM 128GB वाला वेरिएंट है वो अवेलेबल है, बट जो है 6GB RAM 128GB वाला स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। या तो आदमी सबसे लोअर वेरिएंट लेगा या तो सबसे हायर वेरिएंट लेगा। और मेरे ओपिनियन की मैं बात करूं तो मैं कभी किसी को ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि जो है आप 4GB के साथ में जो है 128GB स्टोरेज वाला कॉम्बिनेशन लो, क्योंकि 4GB RAM आपका 128GB सपोर्ट करने में हो सकता है इन फ्यूचर जो है आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपका इनकेस बजट बिल्कुल टाइट है तो मैं भले बोल सकता हूँ कि हाँ आप जा सकते हो, बट इन फ्यूचर जो है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि 4GB RAM 128GB स्टोरेज हैंडल कर लेगा तो क्यों 8GB RAM 128GB वाला लें, तो मतलब ऐसा नहीं है। 4GB RAM जो है 128GB स्टोरेज अगर आपका फुल होता है तो होल्ड करने में बहुत ही मतलब परफॉर्मेंस में आपको कमी देखने को मिलेगी, हैंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से कोई जो है 4GB RAM रेकमेंड ना करे, तो उसके ऊपर वाला वेरिएंट आदमी जाता है तो 6GB RAM जाएगा, वो एक ओके वर्जन है कि आप 6GB के साथ में 128GB जा सकते हो, बट वो कंपनी ने अभी अवेलेबल ही नहीं किया है, कमिंग सून में दिखा दी, जिससे कि जो है कस्टमर सीधे ₹2000 जंप करके सीधे 8GB वाला वेरिएंट ले ले। मतलब जो लोग जो 6GB वाला ले सकते हैं वो जो है सीधे जंप करके 8GB वाला ले लेंगे, 6GB वाला रैम नहीं लेंगे, मतलब 1000 का एक और इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये सब कुछ एक मार्केट स्ट्रेटेजी है जो कंपनी फॉलो करती है। और हालांकि कल से जो है फ्लिपकार्ट की सेल्स भी है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को सेल भी चालू हो रही है, तो बिल्कुल एकदम चेयर टाइट करके बैठ जाइए अगर आपको परचेस करना है, कार्ट में ऐड कर लीजिए, विशलिस्ट कर लीजिए, सब कुछ आपको देखने मिलेगा। और फ्लिपकार्ट पे इसकी भी सेल आ रही है रियलमी 8 और 8 प्रो की, तो वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कमिंग सून ही दिखाएगा, जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, वहाँ पे भी आपको कमिंग सून ही दिखाएगा। तो बाकी आप अपने ओपिनियन के हिसाब से जो परचेस करना है, जो आप बजट आपका लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। और आपको जो है इस फोन के बारे में क्या सबसे बेस्ट फीचर लगा वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बेहिचक कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो भी आप जोर से पूछ लीजिएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, थम्स अप लाइक तो जोर से दबाए दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और साथ ही जो है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।